एंड वेलकम टू विदित एजुकेशन गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर ऑब्जेक्ट ड्राइंग सेक्शन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मेमोरी ड्राइंग को कैसे प्रिपेयर करना है। इसके बाद जीके एंड डिजाइन प्रैक्टिकल के ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए सेक्शन में, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। सो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बट अगर आप हमारे चैनल पे यार पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा गाइस, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। एंड गाइस 2024 के लिए बैचेस लॉन्च कर दिए, इसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, ई बुक, मॉक टेस्ट, डाउट क्लास, एग्जाम टू एडमिशन कंप्लीट गाइडेंस मिलने वाला है। सो जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर 9987338335 और यू कैन ऑल्सो विजिट टू अवर वेबसाइट viditeducation.com। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है, डू फिल दैट फॉर्म इफ यू वॉन्ट कॉल बैक फ्रॉम अवर एंड गाइज। ओके सो चलिए आप सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ड्राॅइंग की, क्या क्या चीज़ें ऑब्जेक्ट ड्राॅइंग में होती है, कैसे चीज़ें होगी, क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, लाइट, ये वो, पेंसिल वगैरह, सारी चीज़ें मैं बात करने वाला हूँ, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यू विल बी गिवन वन ऑब्जेक्ट, इट कैन बी मैन मेड और नेचुरल ऑब्जेक्ट। सबसे पहली चीज़ है माचिस का बॉक्स दे सकते हैं, ब्रिंजल दे सकता है, भिंडी दे सकता है, कैप्सिकम दे सकता है, कोई भी एक चीज़ मैन मेड, या टूथब्रश दे सकता है, या टूथपेस्ट का बॉक्स दिया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आपको दी जा सकती है। एंड आपको ऑब्जेक्ट दिया है, आपको वो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है एंड 1 आवर के अंदर ही ड्रॉ करना है आपका ऑब्जेक्ट को। सो दिस इज़ वेरी फर्स्ट, एक ऑब्जेक्ट दिया जाएगा आपको, इट कैन बी मैन मेड और नेचुरल। नेक्स्ट, रियलिस्टिक डिज़ाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। येस, रियलिस्टिक डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो रियलिस्टिक होना चाहिए। बच्चों के जैसा नहीं आपको रियल डिज़ाइन बनाना है कि कैसे भी बना दिया, एक घंटे में पेंसिल स्केच कर दिया, नो, इट शुड लुक लाइक अ रियल। ओके सो रियलिस्टिक डिज़ाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आफ्टर दिस, फोकल एरिया, पेपर साइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ पेपर साइज, एक आपको पेपर दिया जाता है, पेपर में ऑब्जेक्ट को आपको कैसे प्लेस करना है, या ऑब्जेक्ट ड्रॉ जो आप करोगे वो कैसे आप प्लेस करोगे, इट कैन बी अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, बॉटम। तो मेन होता है कि सेंटर में आप पेपर के ऑब्जेक्ट को बनाएं, ओके, पेपर के सेंटर में ऑब्जेक्ट बनाएं एंड दैट विल बी बेस्ट। सो फोकल एरिया आपका वो सेट रहेगा, सो और स्पेस भी ज़्यादा आपको मिलता है, तो फोकल एरिया में आपको पेपर को सेंटर में रखना है, सो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज पेंसिल सिलेक्शन। यस, 2B है, HB है, डार्क है, एक्स्ट्रा डार्क है, ये सारा जो पेंसिल सिलेक्शन है, शेडिंग आपको कैसे करनी है, उसमें पेंसिल सिलेक्शन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे क्लासेस में आपको सारा पेंसिल बताया जाएगा कि कौन सा आपको सिलेक्ट करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारा जो है वो डिटेल में हम लोग सिखाते हैं हमारे बैचेस में। ओके तो यू कैन ज्वाइन द बैचेस, स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट, लाइट कॉन्सेंट्रेशन नीड टू चेक इन द एग्जाम हॉल। यस, लाइट कॉन्सेंट्रेशन जो है उससे ना आपका स्केच जो आप बनाओगे या शेडिंग जो आप करोगे उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत डिपेंड करता है। तो लाइट का जो कॉन्सेंट्रेशन है, किस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, कितना लाइट आ रहा है, तो आपको शायद साइड में एक बॉक्स रख के भी आप कर सकते हो कि लाइट का कॉन्सेंट्रेशन कम ज़्यादा कर सकते हो। यू कैन हाइड योर पेपर सो दैट एक फिक्स लाइट का कॉन्सेंट्रेशन बने और लाइट कम ज़्यादा नहीं दिखाई दे। ओके सो लाइट कॉन्सेंट्रेशन आपको एग्जाम हॉल में चेक करना पड़ेगा कि कैसा आपका लाइट दिख रहा है और उसका कॉन्सेंट्रेशन आपको ऑब्जेक्ट ड्राॅइंग में कैसे करना है। नेक्स्ट, टोनल वैल्यू, टोन्स कैसे देने हैं आपको वो सिलेक्ट करना है, तो टोनल वैल्यू इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ओवरऑल योर डिज़ाइन शुड लुक लाइक अ रियलिस्टिक, नॉट लाइक अ स्कूल किड। यस, तो ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, रियलिस्टिक डिज़ाइन होना चाहिए, क्योंकि JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स के लिए आपको जाना है, बहुत अच्छा आर्ट वर्क होना चाहिए, तो ही आपको 50 में से 40 वगैरह मार्क्स मिलेगा। ओके सो रियलिस्टिक होने पे ही मिलेगा, और ये सब जो ड्राइंग के एग्ज़ाम है, ओके, इसमें मार्क्स बहुत कम मिलते हैं, तो आपका जो डिटेलिंग होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरा, डिटेलिंग के साथ टाइम जो है, आप कितना टाइम लेके बहुत अच्छे से ड्रॉ कर रहे हो, ये भी है। हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस भी हम लोग बहुत सारा करवाते हैं स्टूडेंट्स को डिज़ाइन के लिए, सो 1 आवर के अंदर ही आपका डिज़ाइन होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी हाउ टू प्रिपेयर ऑब्जेक्ट ड्राॅइंग सेक्शन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझी रहेगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।